हेलो गाइस, वेलकम टू द अनिल जॉन UK08 माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरे दोस्त बैठे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं मूर्ति की बहुत ज़्यादा ही क्या कर रहे हैं, मूर्ति के लिए बात कर रहे हैं। अभी हमारे पे को थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं तो अभी मूर्ति विसर्जन की अभी हमारे को थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं तो अभी आ रहे हैं लड़के लेकर थोड़े खाना पीना तो हमारा जैसे कि तुम्हें पता ही चलता रहता है क्योंकि ये हमारे साथ मोटा रहता है और इसको तो हमेशा खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। गाइस इसके पीछे वाली जेब मैं भी तुम्हें कभी दिखाऊंगा लेकिन ये देखे कैसे पोज में हम बैठे अभी इसके ही घर में क्योंकि ये इसके घर पे ही थोड़ा सा बैठना था। अभी सब लोगों को अभी कोई आया भी नहीं है, ये हमारे शशि भाई एकदम बैठे हैं इसके घर पे। हाँ भाई कब जाना है? ये टेंशन में लग रहा है बहुत ज्यादा टेंशन में इसे, इसको ऐसा लग रहा है कि कोई भी दोस्त अब हमारा साथ नहीं देगा, पैसे नहीं देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब पैसे देंगे हमें और हम 3 बजे जाएंगे गणेश मूर्ति लेने। अभी हम जा रहे हैं 3 बजे जाएंगे। हाँ 3 बजे हमारा सही राइट टाइम है एकदम। हमें पंडित जी ने बताया था कि पूरे 3 बजे यहाँ से घर से निकलना तो हम 3 बजे जाएंगे। ये पता नहीं कैसे कैसे लोग हमारे सामने ऐसे ऐसे रिएक्शन कर दे रहे हैं हमें। चलो यहाँ से निकलो दोनों, इतना अभी तो अभी तो मैं फेमस भी नहीं हुआ हूँ और ये मेरे को बच्चे बोल रहे हैं कि तुम एटीट्यूड दिखाने लग गए हो। माय गॉड, ये बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। ये देखिए वीडियो में आने के लिए कैसे उठ उठ के पैर खुजा। तो गाइस अब हम जा रहे हैं गणेश जी की मूर्ति लेने। ये शशि को हम लेने आए थे इसके घर से, अब हमने शशि को उठा लिया है। शशि ने हमें उठा लिया यानी हम पहले इसके घर पर आए फिर हम गए जा रहे हैं वहाँ पर चक्के टू बेरियल। अब देखते हैं वहाँ पर जाके अभी उसने रेडी भी करी है नहीं करी है हमारे अकॉर्डिंग। भगत सिंह चौक से तो पहले चक्के टू बेरियल पे हम थोड़ी ऑफ कर दो वीडियो थोड़ी देर। अब यहाँ पर आप आ गए, ये बहुत ज्यादा खराब है तो अभी यहाँ पे वीडियो बननी अच्छा नहीं लगेगा। ये हम झिलमिल रोड पे आ चुके हैं फिलहाल। देखिए भाई क्या कह रहा है, ये हमने झिलमिल रोड नाम रखा है फिलहाल के लिए जब तक रोड नहीं बनती है, ठीक है। इसलिए अभी के लिए हम वीडियो रोक रहे हैं, अभी आपको मिलते हैं हम 5 मिनट बाद। अभी आगे मिलते हैं जहाँ पर अभी हमारी रखी है गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर मिलते हैं। तो गाइज हमें यहाँ पर रुकना पड़ गया बीच में, मेरे दोस्त लोग निकाल रहे हैं पैसे। वो भी वहाँ पे लगता है वो अंकल गूगल पे तो नहीं चलाते होंगे शायद, तभी हमने सोचा कैश निकाल लेते हैं, कैश तो हमें ज़रूरत पड़नी है। और कैश सबसे अच्छा है वैसे तो, कोई चलाता है गूगल पे, कोई नहीं चलाता। इन्हें बहुत देर हो गई है अंदर गए हुए, पता नहीं कब से निकाल रहे हैं पैसे और अभी तक निकाल नहीं पाए। ये यूनियन बैंक है। हाँ भाई वही कहें जब हमारा कट चुका है यहाँ पे, हमारा यहाँ बढ़िया वाला कट चुका है, यहाँ भले ऐसे चल रहा हूँ पर मशीन आउट ऑफ सर्विस है, इसके लिए आई एम सॉरी। अब हम नेक्स्ट एटीएम पे जाएंगे, ओनली पीएनबी बैंक में। तो क्या नहीं निकल रहे पैसे? क्या वहाँ पैसे नहीं है? पैसे नहीं है, मशीन आउट ऑफ सर्विस है। ठीक है, मशीन ही आउट ऑफ सर्विस बता रही है। अब ये मेरा मन टूट चुका है, अब मैं वॉलेट सोच रहा हूँ अपना निकालना पड़ेगा। कहाँ पे? किसी अदर एटीएम से? नहीं, मशीन आउट ऑफ सर्विस है, अदर एटीएम से कोई दिक्कत नहीं, प्लैटिनम है अपना कार्ड। चलो ठीक है, किसी भी उसमें चल सकता है। तो अभी अपन ढूंढ रहे हैं कोई दूसरा बैंक और या एटीएम के पास जाना है। बीकानेर का रानीपुर मोड़ पे। हाँ जी फॉलो मी। तो अब हमें रानीपुर मोड़ जाना पड़ेगा पैसे निकालने के लिए। यस फॉलो मी। तो चलो मिलते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है, मिलता है पैसे निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं। ठीक है अपने मिस्त्री भाई साथ चलियो। तो जैसा कि अभी हमें मिल चुके हैं दीपक और ये हमारा दोस्त पता नहीं तेरा नाम विकास नाम है शायद तेरा, और ये भाई गौरव भाई मिल गए हैं हमें। अभी हम लेने आए थे मूर्ति, पैसे तुम्हें निकालने पड़ेंगे, पहले ही निकालने पड़ेंगे। अब अंकल ऐसे भी पहली बात तो गूगल पे चलाएंगे कहाँ, बात होगी तो है। पर कोई नहीं, हम यहाँ पे ये हमारे हरिद्वार में ये बेनिफिट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं होता है इतना, बस ये कि हम इजीली निकल जाते हैं कहीं से भी। और देखिए हमने अभी हमारे पास हेलमेट भी नहीं है लेकिन ये गलती तो है हमारे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे इमरजेंसी में आए। अभी देखते हैं, जाना तो है हमने, आई होप पैसे निकल जाएँ। ये आ गए हम रानीपुर मोड़, ये है होटल, यहाँ पे हमारा जब इवेंट का काम है हमारा तो हमारा चलता रहता है काम। ये देखिए गाड़ी बस थोड़ा सा यही एक एरिया है, मतलब यहाँ पर फेमस था, मतलब ज़्यादा फेमस तो यही है रानीपुर मोड़।
अगर आपको कुछ भी अच्छा और एक्सपेंसिव खरीदना होता है तो रानीपुर मोड़ आना ही पड़ता है। सीधा जाना है? हाँ हमें जाना है सीधा। और ये पुलिस वाले अंकल जी ने हमें रोक लिया। अभी ये गाड़ी हमारी करवाएंगे बाईपास। अभी हम निकल चुके हैं दोबारा से। रोक लो रोक लो। अभी पता नहीं वो एटीएम पता नहीं चल रहा होगा नहीं होगा। ये कॉफी कॉफी डे होटल मधुबन होटल के पास आ गए हैं। अब हम आ गए हैं पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में। यहाँ पे एसी भी नहीं चल रहा। मेरे को नहीं लगता कि पैसे निकल पाएंगे, शायद निकल जाएं, ये भी हो सकता है। बहुत अमीर बैंक है। एक्चुअली पैसे हैं हमारे पास पर कम है। पैसे हैं तो हमारे पास लेकिन कम है। और पहली बात वो गूगल पे से फिर वो पेमेंट ले नहीं रहे ना, तो फिर हम दे नहीं पा रहे। इसलिए ये देखिए जारवियर रेंज रोवर। मेरा तो हाथ पैन करने लग गया, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है हाथ में। तो फाइनली हमें यहाँ से पैसे मिल गए हैं। और ये स्लिप निकाली सचिन ने अभी अपने हाथ से, कैंसिल करते हुए मेरा भाई अपना एटीएम वापस लेके। पहली बात आप सबसे पहले अपना एटीएम सेफ रखें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, किसी को एटीएम एक्सचेंज ना हो पाए उसका ध्यान रखें, इसलिए जरूर निकालें। क्यों कभी कभी ट्रांजेक्शन कभी कभी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए प्रूफ के तौर पर होना चाहिए आपके पास। ताकि हम ये अमाउंट अलग रखेंगे अपने पैसे अलग। सबके पैसे आ गए वैसे? जैसा कि बताया था दिन में तो पैसे के लिए लड़ाई हो रही थी कि पता नहीं अभी देंगे भी नहीं देंगे वो पैसे सारे के सारे। लेकिन हाँ सबने अपने पैसे दे दिए हैं समय से, ये बहुत अच्छा है। बस यही हमारे ग्रुप की सबसे बड़ी अच्छी एक खासियत है कि समय पे पैसे दे देते हैं, बस वो सबसे अच्छा है। चाहे हम वैसे साथ रहते हों या ना रहते हों लेकिन वैसे रहते हैं। ये मेरे दोस्त हनी का खुल रहा है, ये मेरे दोस्त का है कॉर्पोरेट चाय वाला। अभी उसने इसकी ओपनिंग करनी है, अभी रिसेंटली थोड़े दिन बाद होने वाली है। तो बस उसके बाद मिलते हैं, उसके भी कैफ़े में एक वीडियो बनाएंगे हम। तो गाइस अब हमारा वक्त का समय ख़त्म हो गया है, अब हमारा मिलने वाली है हमें मूर्ति। तो जैसा कि अभी हमें पता था हम लेने तो आए थे यहाँ पर, ये देखिए हमारी गणेश जी की मूर्ति हो गई, एकदम रेडी हो गई है। और ये हमारी गाड़ी भी आ गई है जिसमें हमें लेके जानी है। विशाल देख ले कुछ कमी तो नहीं है भाई इसमें, देख ले लीटर सामान है कुछ लगवाना है। अभी हम देख रहे हैं इसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई है, अगर कुछ भी कमी होगी तो वो देख लेंगे, ये करेंगे सही तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत हम खुद भी कर लेंगे जाके घर पे अपने। ये अभी हमें कवर करनी है, ये अंकल कर रहे हैं जिनसे हमने खरीदी है कवर कर रहे हैं। ये गाड़ी खुल जाती है ऐसे, खुल जाएगी सिद्धी खुल जाती है। तो ये मुकालिम भाई की गाड़ी अभी ऐसे नहीं खुलती है, हमें सिद्धी रखनी पड़ेगी, देखते हैं। अब हम ले जाएंगे घर पर जाके इसकी स्थापना करवाएंगे। पंडित जी हमारा वेट कर रहे हैं, वैसे सब कुछ रेडी है घर पे। अब हम लेके जा रहे हैं मूर्ति अपने साथ, ये विपुल भाई और ये हमारा क्या नाम है भाई, अक्षय। अक्षय भाई पहले चश्मा लगाते थे, अभी इन्होंने चश्मा लगाना छोड़ दिया तो ये लुक वाइज थोड़े चेंज हो गए हैं। और ये विशाल आ रहा है पीछे पीछे, और ये शशि भाई अपनी अपनी स्कूटी से। हमें तो यहाँ पे मजा आ रहा है, हमने ये भी पकड़ लिया है, कपड़ा भी पकड़ लिया है। ये ज़्यादा होशियार बन रहा है, इसके मुंह पे चप्पल मारने का मेरा बिल्कुल मन करता है, मैं मार भी सकता हूँ।
लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, प्यार जो इतना करता हूँ क्योंकि हमारे साथ ही घूमना होता है गाड़ी से। अपना अपने इसने एक बार भी कहा कि मैं गाड़ी से मैं बैठ जाता हूँ, तू गाड़ी चला ले अपनी, उसे बिठा ले, उसे बिठा ले। जैसा कि गाइस तुम्हें पता है ये बहुत ही आफत मचाता है हमेशा हमेशा, कि देखो इसकी शक्ल भी कैसी है, ऐसा ही हमेशा मजाक बनाता रहता है, चलो वो करो ये करो, हमेशा इसकी मेरी लड़ाई हो जाती है हमेशा, ये मेरे से किसी दिन पिटेगा पूरे ब्लॉग में। तो ये अभी खुल गए थे, कपड़ा खुल गया था, तो अभी हमेशा सही करने लगे बैठ गए। चलो पकड़ लो भाई, तो चलो चलते हैं फिर काउंटी गेट से। काउंटी गेट से, हां काउंटी गेट से, इधर बहुत ज्यादा गड्ढे हैं भाई, चलो फाउंडी गेट से। अब तो हमें लगता है कुछ